हाँ एवरी वन दिस इज माइ इंगठारी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एस एफ एम रेगुलर बैच वीडियो लेक्चर्स टोटली आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स में इस बैच के साथ में फाइव थर्टी सिक्स अराउंड वीडियोज मिलेंगे सर फाइव थर्टी सिक्स वीडियोज कैसे कवर अप करेंगे डोंट वरी फाइव थर्टी सिक्स वीडियोज आपका छोटा 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 किया हुआ है पंद्रह मिनट बीस मिनट हर कॉन्सेप्ट पे अलग वीडियो हर क्वेश्चन पे अलग वीडियो है सो इट विल हेल्प यू टोटली जो आपके 536 से 540 फोर्टी वीडियोज है ये आपके 140 घंटे के अंदर में कवर अप हो जाते हैं सो दैट्स सफिशियंट इनफ ध्यान रखें 140 घंटे आप किसी और क्लासेस से कंपेयर ना करें क्योंकि 140 घंटे यहाँ पे प्योर टीचिंग कंटेंट है यहाँ आपके लिखने का टाइम आपके रिवाइज करने का टाइम आपके क्वेरीज पूछने का टाइम इन्क्लूडेड नहीं है सो एक सौ के ऊपर ये सब लगने वाला है सो दैट विल गो ऑन मोर देन टू हंड्रेड आवर्स सो यू हैव टू एंटायरली गिव अराउंड टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड आवर्स टू ओनली टू एस एफ एम अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो सर अब हमको बताओ कि हमको इस मॉड्यूल के साथ में सॉरी इस, बैच के साथ में क्या क्या मिलेगा सर एक आपको पेन ड्राइव आएगी जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे जिसमें सॉफ्टवेयर होगा जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वीडियोस देखने के लिए उसके बाद में चार मॉड्यूल आएगी मॉड्यूल वन टू थ्री प्लस थेरी इसके अलावा आपको चार्ट भी आएंगे सो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी चीजें आपको दे दी अब आपको धीरे धीरे मॉड्यूल वन टू थ्री से स्टार्ट करना है वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना है एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो चार्ट्स रिवाइज करने पढ़ना कैसे है सर ये बता दो हमको एग्जामिशन भी ध्यान में रखना है बिकॉज ग्रुप वन में कहा जाता है कि एस एफ एम स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैं आपको एग्जामिशन की प्रिपरेशन की लिए प्लान बताता हूँ ठीक है ध्यान दो सबसे पहले तो चार्ट चार, कोई चैप्टर उठाओ उसके कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस देखो कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो गए गो टू द क्वेश्चन क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो बुक में से ठीक है अगर आप कहीं पर अटको तो उसका वीडियो देखो क्लैरिटी आएगी मिस्टेक्स पता चलेगी मार्क करो आगे बढ़ो अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछो क्वेरीज में ठीक है कर लिया ऐसे कर करके आपने पूरा चैप्टर निपटा लिया ये चैप्टर होने के बाद में उसकी प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ और प्रैक्टिस मैनुअल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को पूछो क्वेरीज में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके बाद दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर सेम प्रोसीजर रिपीट करो एक बार सारा पढ़ना हो गया फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सो so पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है आपको इंडेक्स शीट साथ में आएगी इस इंडेक्स शीट में आपको सारे लेक्चर्स दिए हुए फाइव फोर्टी फाइव थर्टी सिक्स लेक्चर्स की डिटेल दी हुई है कौन कौन सा वीडियो आपने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन आपने कवर कर लिए रोज मार्किंग करते चलो तो आपको हेल्प होगी टाइम मैनेज करने में भी फाइव थर्टी सिक्स फाइव फोर्टीज में अराउंड आपके वन फिफ्टी सिक्स कॉन्सेप्ट कवर्ड है थ्री एट्टी क्वेश्चन कवर्ड है थ्री एट्टी के ऊपर प्लस आपको होमवर्क के लिए दिए हुए सो इन टोटल फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप मान के चलो नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट परसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटीरियल से या आई टी पी से या पास्ट एग्जाम पेपर से लिए हुए तो so, आईसीआई का सारा मटीरियल यूज किया हुआ so, है सो एक लेवल बना रहेगा आपका एस एफ एम में यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस फॉर एस एफ एम सॉरी यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस फॉर एस एफ एम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है छोड़ना नहीं अब आप अब मिस्टेक कहाँ करोगे मैं आपको बताता हूँ सर आपने कोई वीडियो चालू किया आप आधे में उसको छोड़ दोगे ये गलत होगा ठीक है कुछ कुछ वीडियोज आप स्किप कर दोगे ये भी गलत हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट फुल कॉन्फिडेंस है तो आप छोड़ सकते अदरवाइज यू हैव टू वॉच इट थोड़ा स्पीड में देख लो चलेगा 1.52 लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, आपके। इस तरीके से आपको 100 घंटे लगे तो फर्स्ट रिवीजन अब बात ही आती रिवीजन की आपने कुछ क्वेश्चंस अपने बुक में मार्क करके रखे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मान्यूल में मार्क करके रखे इन सबको रिवाइज करो सेवेंटी आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका वो सारे कॉन्सेप्ट जो वीक है वो भी वीडियोस आपको एक बार और देखने so, सो पाँच सौ डेढ़ सौ में से मान लो अराउंड पचास या पच्चीस तीस कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके वीक रहेंगे वो आपको एक बार वीडियोज देखना पड़ेगा क्लैरिटी आने के लिए फर्स्ट रिवीजन 60 आर्स में खत्म हो गया सेकंड रिवीजन आपका 30 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए और बाकी के दो रिवीजन आपके और 20-25 फाइव में कंप्लीट हो जाने चाहिए मतलब सर 20 घंटे में पूरा एस एफ रिवाइज होगा हो सकता है कैसे सर फर्स्ट रिवीजन जब करना शुरू करोगे तो चार्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो अब। आप अब पूरी तरह से सारे 536 वीडियोस आप देख नहीं पाओगे टाइम नहीं है इतना आपके पास में तो यू नीड टू फॉलो अ प्रोसीजर फर्स्ट रीडिंग प्लस चार रिवीजन फर्स्ट रीडिंग एंटायरली हंड्रेड परसेंट करोगे फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन जब आप थर्ड और फोर्थ पे पहुंचोगे तब आपको एस पे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा सो फर्स्ट रीडिंग के बाद में आप ये मत सोचना कि मेरे को एस आता है नहीं आएगा पहली चीज उसके बाद में मैं आपको बताता हूं प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द वीडियो लेक्चर्स और किसी फैकल्टी कोई भी क्लास कोई भी सब्जेक्ट हो किसी फैकल्टी पर डिपेंडेंट मत हो जाओ यूज दिस वीडियो लेक्चर फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं नहीं चाहता नुकसान हो कोई तरह का आपको अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर रिजल्ट अल्टीमेट एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर रिजल्ट इज यू ओनली सो पास हो या फेल हो वह आप ही का रिजल्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ने लेनी है तो डिपेंडेंट होके तैयारी करना सब्जेक्ट की गलत हो जाएगा आई एम देयर टू हेल्प यू हंड्रेड परसेंट फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट फॉर एवरीथिंग इन एस एफ एम बट ट्राई करो स्पून फीडिंग वाली चीजें ना हो कि आप बस वीडियो लेक्चर देख लिया सर अब हमको लिखने की भी जरूरत नहीं अरे प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी एग्जाम में आप ही को लिखना है प्रैक्टिस होना पहले उसके सब हो जाए एक बार का तो कम से कम चार से पांच पांच एग्जाम पेपर सॉल्व करके देखो एग्जाम में बैठने के पहले लाइक लास्ट टू मंथ्स में ये एक्टिविटी की जा सकती है सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद द वीडियो लेक्चर्स टोटल कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया कि पांच सौ छत्तीस वीडियो लेक्चर्स है उसमें से डेढ़ सौ के आसपास में आपके कॉन्सेप्ट है तीन सौ अस्सी प्लस आपके क्वेश्चन है सो so, मैक्सिमम चीज़ें अपन ने वैसे ही ऑलरेडी कवर की हुई है और कोई दिक्कत नहीं जाएगी क्वेरी पैनल आपके पास में दिया हुआ है यू कैन यूज दैट अच्छा वन मोर फीचर दैट यू कैन यूज़ विद द सॉफ्टवेयर वर विद आर सॉफ्टवेयर दैट इज यूनिक सॉफ्टवेयर दैट वी हैव मेड कि आपको बाकी स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज दिखेगी मतलब इंडिया में कोई भी कहीं भी बैठा अपने अगर वीडियो लेक्चर्स यूज कर रहे हैं तो आप बाकी स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज देख पाएंगे सो आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव टू कनेक्ट द पीपल एंटायरली

वाईयात क्वेरीज पूछता है इसलिए मैं क्वेरीज पूछता नहीं था वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑल्सो आपको बाकी लोगों की क्वेरीज जरूर दिखेगी लेकिन उनका नाम आपके सामने नहीं आएगा आप ही का नाम आपके नाम से दिखेगा आप ही के, के नाम से आपको क्वेरीज दिखेगी बाकी सारे लोगों की क्वेरीज आपको फ्रेंड्स के नाम से दिखेगी अगर कोई और यूज कर रहा है वो सॉफ्टवेयर तो उसके नाम से उसको क्वेरीज देखेगी और बाकी सारे लोगों की क्वेरीज उसको फ्रेंड्स के नाम से देखेगी सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आपका नाम कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है सो वी हैव केप दैट सीक्रेट प्रीवियसली उतनी चीजें रखी हुई है यूज द अदर फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आल्सो टू गेट अपडेटेड विद योर योर कोर्स लाइक सी ए सिलेबस अच्छा ये एस एफ एम का जो रेगुलर बैच आपने लिया है उसके ये पूरा का पूरा ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड है सो न्यू सिलेबस भले ही आ चुका है लेकिन जो नवंबर सेवनटीन ऑनवर्ड्स रेगुलर बैच के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स काफी हेल्पफुल है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए न्यू सिलेबस के लिए नहीं न्यू सिलेबस का कंटेंट अलग होगा सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड अबाउट द रेगुलर बैच यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंटेंट वी हैव कवर्ड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वी हैव हैव कवर्ड यू डोंट टू वरी अबाउट द सपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम मी फॉर द सब्जेक्ट एंड फ्रॉम कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल फॉर द टेक्निकल थिंग कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आई तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एट द एंड अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो कॉन्फ्रेंसा वाले नंबर पे कॉल करो और वहां से अगर कोई भी दिक्कत आती है थोड़ा डिले होता है सपोर्ट होने अंदर तो कांटेक्ट मी एट द एंड जाके आप सेफ रहोगे ये मेरी गारंटी है बिकॉज आई नीड टू सपोर्ट यू पीपल दैट इज द प्रायोरिटी एट माई एंड बट इतना सारा मिलने के बाद में भाई साहब आपके एफर्ट्स एक परसेंट भी कम नहीं होते इन फैक्ट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ फ्रॉम यू पीपल इज मोर देन बिफोर सो पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स रिजल्ट उतना ही आएगा सीए फाइनल का कितनी भी मैं और आप कोशिश क्यों नहीं कर ले तो मेक श्योर sure कि आप बाकी लोगों से ज्यादा पढ़ रहे हैं डेडिकेशन पैशन हार्डवर्क स्मार्ट वर्क आर वेरी नेसेसरी फॉर clearing the exam. Nothing is going to replace these things in any work. So, कहीं से भी मैं आपके लिए चीजें easy नहीं बनाऊंगा. Ultimately, आप ही responsible हो उस चीज के लिए. So, you have to put lots of efforts. अच्छा, sir, SFM हमारा SFM पे मेरे को confidence आ जाएगा. SFM मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा. इस का इसकी क्या गारंटी इसकी गारंटी में आपको तब दे पाऊंगा जब आप मेरे को बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे हैं क्योंकि तो जब आप क्वेरीज पूछते हो तो आपको दिमाग आपको चलाना पड़ता है और जब आप दिमाग चलाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे 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 करके क्लियर होते जाएंगे पहली चीज अगर कॉन्सेप्ट क्वेरीज पूछ रहे हैं पहली चीज तो दूसरी चीज पेपर देखना आखिरी आखिरी में तीन से चार पेपर तो कम से कम है टेस्ट सीरीज हो रही है तो टेस्ट लगा और लगाट करो कहाँ गलती कर रहे हो सारी तैयारी कर ली लेकिन आपने वाली तैयारी नहीं की तो अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्पफुल सो नॉट ओनली हार्ड वर्क या नॉट ओनली इंटेलिजेंस इज गोइंग टू वर्क स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एवरीथिंग एंड आई विल टेल यू द सीक्रेट दट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर दी एग्जाम इमेजिन करो आपके साथ में कितने लोग और बैठने वाले एग्जाम में और उन सारे लोगों से आपने बेटर परफॉर्म करना है बस ये टारगेट लेके चलो छोटे 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 टारगेट्स बनाओ आज मैंने दस वीडियोस कंप्लीट करना है आज मैंने पांच वीडियोस कंप्लीट करना है आज मैंने ये ये कॉन्सेप्ट कवर करना है और कंप्लीट करते चलो और मार्किंग करते चलो कि मैंने इतना इतना इस इस दिन कवर किया अगर आप ऐसे टारगेट सेट करोगे ना मैंने पांच दिन में एस खत्म करना है कुछ काम नहीं आया क्योंकि आपने बहुत बड़ा गोल सेट किया हुआ है उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप ब्रॉडली देख रहे हो मैंने तीन दिन में ये चैप्टर खत्म करना है नहीं दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क सो छोटे छोटे टारगेट सेट करो अपन नहीं बोलते बूंद बूंद से घड़ा भरता है सो फोकस ऑन द बूंद नॉट द घड़ा ठीक है डोंट लाफ सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द वीडियो लेक्चर्स एंड इफ देर आर अपडेट्स यू विल गेट अ मेल फ्रॉम कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल फ्रॉम मी ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर अपडेट्स व्हाट्सअप पर मैं थोड़ा एक्टिव होता हूँ तो तीन दो अपार्ट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ मी ऑन कपल ऑफ थिंग्स लाइक फर्स्ट इज व्हाट्सएप सेकंड इज यूट्यूब एंड थर्ड इज फेसबुक तीन जगह पे मैं थोड़े अपडेट्स डालते रहता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस स्टे कनेक्टेड विथ दैट ऑल्सो टू स्टे अपडेटेड क्योंकि आपके हाथ में एक बार वीडियो लेक्चर आ गए तो उस पीरियड से आगे वाली पीरियड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पता रहना भी बहुत जरूरी है सो दिस इज ऑल अबाउट द एस एफ एम वीडियो लेक्चर्स फॉर रेगुलर बैच एंजॉय द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज बाय बाय